हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको हिंदी साहित्य की सेकंड क्लास जो भाग दो है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे अहट की व्याकरणिक विशेषताएं। और यह क्वेश्चन जो है 2015 यूपीएससी में आया हुआ है। इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे आज। और ये प्रश्न नहीं है अभी तो, ये एक आपका टॉपिक है अवहट। अवहट की व्याकरणिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे, क्या क्या इसमें है। अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं, यह सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2015 आईएएस में यह आया हुआ है। 2015 में तो निश्चित रूप से आ सकता है, संभावना है आने की। अवहट्ट में अपभ्रंश की प्रायः ध्वनियां मिलती हैं। अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताओं की अगर बात करें तो अवहट्ट में अपभ्रंश की प्रायः ध्वनियां मिलती हैं। मतलब अवहट्ट और अपभ्रंश की कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो एक दूसरे से निश्चित रूप से मिली हुई हैं। अवहट्ट में दो नई ध्वनियां आए आओ आ गई हैं। अगर हम बात करें अपभ्रंश और अवहट, तो अपभ्रंश में आए और आओ नहीं है। इन दोनों के स्थान पर आए और ओ का प्रयोग होता था, लेकिन जैसे ही अवहट्ट आया, अवहट्ट में ये दोनों ध्वनियां अपने आप आ गई। अवहट्ट में ये दोनों ध्वनियां अपने आप आ गई, तो ये अपभ्रंश में नहीं थी, बल्कि अवहट्ट में ये दो नई ध्वनियों का उच्चारण प्रारंभ हुआ। दूसरी विशेषता इसकी है, अवहट्ट में तत्सम शब्दों के प्रयोग बाहुल्य के कारण रि एवं स ध्वनियां प्रचलन में आ गई थी। आपको बता दें कि अवहट्ट, अगर बात करें अवहट्ट में तत्सम शब्दों के प्रयोग बाहुल्य के कारण रि एवं स, मतलब बड़ा स, शहर वाला स और रि की ध्वनियां जो है प्रचलन में आ गई थी। पूर्वी अवहट्ट में इन ध्वनियां भी मिलने लगती हैं। और पूर्वी अवहट्ट में जो है मिला दिया जाए, मतलब ये अवहट्ट और पूर्वी अवहट्ट दोनों को मिला दिया जाए, तो पांच ऐसे दो स्वरों में और तीन स्वरों में और दो व्यंजनों में नई चीजें अपने आप प्रचलन में आ गई। एक री की मात्रा ये आ गई प्रचलन में, और एक जो है औ और ए ये प्रचलन में आ गई। जबकि अगर बात करें व्यंजन में, तो व्यंजन में स और ई, ये इया जो है दो ध्वनियां प्रचलन में आ गई। दोनों ध्वनियां प्रचलन में आ गई जो अपभ्रंश में नहीं थी, ये जो है अवहट्ट में मिलने लगती हैं। जैसे सज हिज, ये जो है नई ध्वनियां मिली हैं इसमें। पूर्वी अवहट्ट में ई ध्वनि ए में बदल जाती है। अगर पूर्वी अवहट्ट की बात करें तो इसमें ई जो है, अगर कहीं पर ई आई रही होगी तो ई के स्थान पर ये ए में बदल जाता। किस में बदल जाता? ए में बदल जाता है। जैसे दई, अगर कहीं पर दई लिखा हुआ है तो दई का क्या हो जाएगा? द आय हो जाएगा। करवाई का करवाई करवाई का हो जाएगा करा व आय करा व आय। इस तरह से नए शब्द इसमें आ जाते हैं। अवहट्ट में न ध्वनि ल में बदल जाती है, और ल ध्वनि न में
बदल जाती, अगर कहीं पर न पहले आया है तो अल्लाह हो जाता है, और कहीं पर अगर न पहले अल्लाह पहले आया तो न में बदल जाता है। जैसे नलयोर भेद, और इसको कहा जाता है नलयोर भेद कहा जाता है। जैसे इनाम, इनाम पढ़ा जाएगा इलाभ, और लहई तो नहई, लहई का पड़ जाएगा नहीं, लही का पड़ जाएगा बन जाएगा नहीं। अवहट्ट में संस्कृत के तत्सम या अर्ध तत्सम शब्द युग्मत संयुक्ताक्षर के बीच स्वर का आगमन कर करना सरल हो जाते हैं। इसका जो है के बीच में स्वर का आगम कर इनको सरल बनाया जाता है। जैसे मध्यक का हो जाएगा मधक, शुक्ल का हो जाएगा सुकिल, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता है। क्षतिपूर्ति दीर्घता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अवहट्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है, क्षतिपूर्ति दीर्घता की प्रवृत्ति मिलती है। मतलब कहीं पर अगर कहीं आधे अक्षर हैं तो उसके स्थान पर उसी का दीर्घ कर दिया जाएगा, और दीर्घ करके क्या किया जाएगा, बड़ा बना दिया जाए। जैसे कज्जल का हो जाएगा काजर, लग्गी का हो जाएगा लागी, इस तरह से शब्द बनने लगते हैं। पहला अक्षर दीर्घ बन जाएगा, और जो ये स्वर हो मतलब आधे आधे व्यंजन होंगे, आधे पूरे व्यंजन होंगे, वो बन के आधे बन जाते हैं, मतलब पूरे बन जाते हैं। अवहट्ट में दो ही वचन मिलते हैं, अवहट्ट में भी दो वचन मिलते हैं, एक वचन और बहुवचन। पूर्वी अवहट्ट में नी अथवा न प्रत्यय, नी आधा न और ही, नी अथवा न प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। दोनों शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, बहुवचन के रूप में बनाए जाते हैं। जैसे युवराजहि नगरन, मतलब जैसे युवराज, कई युवराज हैं तो युवराजन, और नगरन तो नगरों का नगरन हो जाएगा, और ये बहुवचन कहा जाएगा, और युवराजिन का हो जाएगा युवराज। अवहट्ट में सारे कारकीय रूप निर्विक्त बनने लगे। जैसे अहिर गोरु बाग मेलव, अहिर गाय को बाग में ले गया, अहिर गोरु बाग मेलव, अहिर गोरु बाग मेलव। तो अहिर माने यादव होते हैं, तो यहाँ पे यादव ना कह करके प्राचीन भाषा में यादव जी को अहिर ही कहा जाता था। तो आप जानते हैं आदमी थोड़ा सभ्य हो गया है, तो उस तरह से किसी जातिगत टिप्पणियां थोड़ा कम होने लगी हैं, और करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है अहिर गोरु मेला बाग मेलो, अहिर गाय को बाग में ले गया, जैसे शब्द बन जाते हैं। अवहट्ट में सर्वनामों के रूप और सहज हो गए। अगर अवहट्ट में बात करें सर्वनामों के रूप और भी सरल बन जाते हैं। जैसे एक वचन में मैं हूं, तुहू ते शब्द बन जाते हैं। बहुवचन में हम हैं तुम हैं जैसे शब्द बन जाते हैं। इसमें या तो ये बन जाता है हम हैं, या तुम ऐसे शब्द बन जाते हैं। अवहट्ट में सार्वनामिक विशेषण हैं, ऐस जैस अस जस एता जीता शब्द बन जाते हैं, ऐसे शब्द जो है बन जाते हैं।
अवहट्ट में भूतकालिक कृदंत प्रत्यय अल मिलने लगता है। भूतकालिक एक प्रत्यय है जिसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, अल ये जो है अवहट्ट में मिलने लगता है, जबकि अपभ्रंश में इसका अभाव देखा गया था। जैसे पथिक जने मार्गानुसंधान करल भ्रमर पुष्पोदेशु चलत वर्ण रत्नाकर, अवहट्ट में भविष्यत काल बोधक ब प्रत्यय मिलता है। जैसे पुराण देखब मतलब नगरों को देखने जा रहे हैं, तो पुराण देखब, पुराण माने नगर और देखब माने देखेंगे, तो इस तरह के शब्द इसमें मिलने लगते हैं। ये अवभट्ट की विशेषता है। अब आपने देखा कि अवहट्ट और अपभ्रंश, अवहट्ट आपने देखा, यहां पर जो दिखाई दे रहा था वो क्या दिखाई दे रहा था, अवहट्ट व अपभ्रंश, ये दोनों एक दूसरे की कुछ शब्दों का अभाव दिखाई दे रहा है, तो कुछ शब्दों की एक दूसरे में अधिकता दिखाई दे रही है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे, इनमें दोनों में क्या संबंध है, क्योंकि यह भी यूपीएससी मेंस में परीक्षा में आ चुका है। तो इस दोनों के अवहट व अपभ्रंश के संबंधों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध रहा है। काफी बोरिंग टॉपिक होता है ये, लेकिन फिर भी इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से इसको सहजता से आप सीख सकते हैं। और इसमें मैथ जैसा, आपको जान लीजिए गणित जैसा नंबर मिलता है, मतलब अगर आप इसको सही से लिख दिए 100 में 100 मिल सकता है, ठीक है। तो व्याकरण वाला जो पार्ट होता है, जितना भी क्वेश्चन होता है, इसमें अच्छा खासा नंबर बच्चे उठा पाते हैं। ये सिविल सेवा अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2014 में, मतलब IAS 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अवहट्ट और अपभ्रंश दोनों में क्या पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में अगर बात करें। अब इसके संबंधों के बारे में प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश के बाद की भाषा को विद्वानों ने अवहट्ट की संज्ञा दी है। मध्यकालीन आर्य भाषा के विकास के बाद जो भाषा विकसित हुई उसी भाषा को विद्वानों ने अवहट्ट की संज्ञा दी है। इन दोनों में उच्चारण, दोनों भाषाओं अर्थात अपभ्रंश और अवहट्ट में, दोनों में व्याकरण तथा शब्दावली के स्तर पर गहरा संबंध है। शब्दावली और व्याकरण के दृष्टि में गहरा संबंध है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही माना है, कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक माना है, तो निश्चित रूप से कुछ विद्वान ऐसे भी होंगे जो अपभ्रंश और अवहट्ट को एक नहीं मानते हैं। उच्चारण के स्तर पर देखें तो स्वर तथा व्यंजन वर्ण अवहट्ट को एक ही माना है। अगर उच्चारण के स्तर पर देखें तो स्वर तथा व्यंजन वर्ण अवहट्ट और अपभ्रंश में एक ही माने गए हैं। उच्चारण के स्तर पर देखें तो स्वर तथा व्यंजन वर्ण अवहट्ट में वही हैं जो अपभ्रंश में थे। जैसे री का उच्चारण दोनों ही जगह पर अ ई उ या ए ओ हो गया है, फिर भी अवहट्ट में ए तथा औ दो नई ध्वनियां हैं। दोनों का उच्चारण तो एक है, चाहे आप री इस तरह से पढ़ें चाहे आप री इस तरह से पढ़ें, दोनों का उच्चारण तो प्रायः समान दिखाई देता है। तो अपभ्रंश में इस री का प्रयोग हो रहा है,
और अवहट्ट में स्त्री का प्रयोग है, लेकिन उच्चारण दोनों का एक ही है। इस तरह से यह प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों फिर भी नई नई ध्वनियों को साथ में लाते हैं। अनुनांसिकता अपभ्रंश की विशेष प्रवृत्ति है। अनुनांसिकता भ्रंश की सबसे बड़ी विशेष प्रवृत्ति है, जो अवहट्ट में अत्यधिक बढ़ गया है। संयुक्त व्यंजन के सरलीकरण की प्रवृत्ति दोनों में पाई जाती है। जो संयुक्त व्यंजन के सरलीकरण की प्रवृत्ति दोनों में पाई जाती है। व्याकरण के स्तर पर दोनों में ही संज्ञा के दो वचन, एक वचन, बहुवचन, दो लिंग, पुलिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। सर्वनाम में सरलीकरण की प्रवृत्ति दोनों में पाई जाती है। अगर देखा जाए, समानता की बात की जाए, तो दोनों में वचन एक दो ही मिलते हैं, अभ्रंश और अवहट्ट में। लिंग दोनों में दो ही मिले हैं, अभ्रंश और अवहट्ट में। और जबकि सर्वनाम में सरलीकरण की प्रवृत्ति दोनों में अवहट्ट और अभ्रंश दोनों में पाई गई है, इसकी समानता है। इसकी अगली समानता देखा जाए तो अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों में शब्दावली के स्तर पर भी समानता है। दोनों में तत्सम शब्दों की अपेक्षा तद्भव, तत्सम शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्द अधिक पाए जाते हैं। देशज और विदेशी शब्द भी अपभ्रंश और अवहट्ट में मिलते हैं। उदाहरण के लिए पुह भी दोनों ही भाषाओं में मिले हैं। पुह भी जो है एक विदेशी शब्द है जो दोनों भाषाओं में मिल रहा है। ये जो है आपका प्रश्न है, जो ये क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कब, आपको बता दें, प्रश्न पूछा गया था 2014 में। कब पूछा गया था? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले जो प्रश्न आपको बताए थे, मतलब ये जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया, ये जो है अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं, यह मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से जो है ये दोनों अलग अलग समय में आए हुए हैं, और इसलिए दोनों को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोनों चीज़ों को मैंने बता दिया। इसके पहले कल मैंने अपभ्रंश की पहली क्लास में हमने अपभ्रंश के बारे में पूरी क्लास लिया है। अपभ्रंश के भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आ चुके हैं, दो तीन बार आए हुए हैं। 17 में आया था, 18 में आया है, और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस को मान लिया जाए तो दोनों हर साल आते हैं, मिला लिया जाए तो। अब अपभ्रंश और अवहट्ट का पारस्परिक संबंध 2014 में ये हो गया आपका। अगला है आपका आरंभिक हिंदी की मुख्य विशेषताएं। आरंभिक हिंदी जो थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हिंदी में प्रायः ध्वनियां वही हैं जो अपभ्रंश अवहट्ट में मिलती थी, किंतु आरंभिक हिंदी में कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ। अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे। प्रारंभिक हिंदी में ऐ, औ, आई, औ, ऐया आदि संयुक्त स्वर प्रयुक्त होने लगे। उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ, इसकी अपनी ध्वनियां हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो है ड और ढ, इसकी अपनी ध्वनियां हैं। किसकी? आरंभिक हिंदी की। कुछ व्यंजनों के महाप्राण रूप में विकसित हो गए। कुछ व्यंजन जो है महाप्राण के रूप में विकसित हो गए, जैसे न, म, ल आदि। ये जो है किस में विकसित हो गए? महाप्राण में विकसित हो गए। आरंभिक हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की के पर्याप्त शब्द आ गए। री हिंदी में तत्सम शब्दों में लिखी जाती है, किंतु इसका उच्चारण री की तरह तथा गुजराती में रू की तरह होता है। आपको बता दें, जो री होता है, ये री, इसका उच्चारण एक तो री की तरह होता है, और एक उच्चारण इसका गुजराती भाषा में जाएंगे तो रू की तरह होता है। ये गुजराती है,
गुजराती, गुजराती लोग री जहां पर होगा उसको रू के रूप में बोलेंगे। इस तरह से ये एक नया शब्द यहां पर आता है। उष्म वर्ग स लेखन, लेखन में रहा, किंतु उच्चारण में यह स की तरह ही उच्चारित होता था। यह का ज में तथा व का ब में रूपांतरण दिखाई पड़ता। आप जान लीजिए, जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे तो ये लोग यमुना को, नदी है यमुना, यमुना नदी को ये लोग बोलते हैं जमुना, जमुना की तरह उच्चारण करते हैं, जबकि ये क्या है, यमुना, यमुना को जमुना बोलते हैं। तो य का ज में उच्चारण दिखाई देता है और व का, जो ये व है इसको ब पढ़ा जाता है। आपने जैसे कभी सुना होगा गांव में लोगों जब बात करते रहते, आप देखिए उन्होंने कहा वन की कटाई चले, वन नहीं होता वन होता है, वन की कटाई की जगह पर वन की कटाई, वर्षा की जगह पर कहें बारिश हो रही है, बारिश नहीं होती बल्कि वारिश होता है। क्या होता है, बारिश ना होकर वर्षा होती है, वर्षा ना बोलकर वर्षा बोलेंगे। विदेशी भाषाओं के प्रभाव से क ख ग ज फ ध्वनियां व्यवहारित व्यवहारित होने लगी, व्यवहारित होने लगी, व्यवहार में आ गई। कौन कौन, विदेशी भाषाओं से क ख ग ज फ, ये जो उर्दू के शब्द हैं जैसे क ख ग ज फ, इस तरह के शब्द ध्वनियां व्यवहारित होने लगे, ये विदेशी प्रभाव से। आदि स्वर लोप, आदि स्वर लोप दिखाई देता, जैसे अभ्यंतर भीतर, अभ्यंतर में भीतर, मध्य स्वर लोप, चलना कामा, एवं अत्यंत स्वर लोप राम, अब घर की प्रवृत्ति आरंभिक हिंदी में मिलती है। ये जो है आरंभिक हिंदी में मिलती है, जबकि वहां पर यह नहीं मिलती है। हिंदी में अपभ्रंश के द्वित्व की जगह केवल एक रह गया और पूर्वी स्वर में क्षतिपूरक दीर्घता आ गई। क्रिया रूपों की जटिलता और लकारों की विविध विविध रूपता अपभ्रंश में ही कम हो गई थी। आरंभिक हिंदी में आते आते मुख्यतया मुख्यतया चार लकार ही रह गए। सामान्यतः लठ लट लकार वर्तमान काल, लंड लकार सामान्य भूत, लुट लकार भविष्यत काल और लोट लकार विधिलिंग हेतु प्रयोग किए जाने लगे। सहायक क्रियाओं एवं संयुक्त पूर्वकालिक क्रियाओं के रूप स्थिर हो गए। आरंभिक हिंदी में मानक हिंदी की तरह पदक्रम निश्चित नहीं था, जैसे भनहि विद्यापति कहे कबीर सुनो भाई साधो, बंदव गुरुपद पदुम परागा। भनहि विद्यापति कहे कबीर सुनो भाई साधु, बंदव गुरुपद पदुम परागा। अब देखिए विद्यापति का कथन है, कबीर का कथन है, ये जो है बंदव गुरु पदुम परागा, ये जो है तुलसी दास का कथन है। रचना की दृष्टि से संस्कृत पाली प्राकृतिक आदि की भाषा योगात्मक थी, वियोगात्मकता अपभ्रंश से आई और
आरंभिक हिंदी बहुत हद तक वियोगात्मक हो गई। अगर बात करें अपभ्रंश से आई और जो रचना की दृष्टि से संस्कृत पाली प्राकृतिक आदि की भाषा योगात्मक रही, जबकि वियोगात्मकता की बात करें तो अपभ्रंश से आरंभिक हिंदी में बहुत हद तक वियोगात्मक हो गई। ये जो है आपका था ये हिंदी का, ये तीन प्रश्नों की चर्चा हमने किया था। एक तो आपका प्रश्न था आरंभिक हिंदी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आप जान लीजिए इतना ही मटेरियल इसमें लिखना पड़ता है आपको, जान लीजिए पूरा का पूरा अंक यूपीएससी में प्राप्त होता है इसमें। दूसरा आपका जो प्रश्न है जिसके पर हमने चर्चा किया आज, अपभ्रंश और अवहट्ट की पारस्परिक संबंध क्या है, ये आपकी टॉपिक था एक। और एक टॉपिक था आपका जो है अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं, एक टॉपिक था आपका अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं, क्या था अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं, ये है अवहट्ट की व्याकरणिक विशेषताएं। ये जो है दोनों चीजें आपको आज पढ़ाया गया है, तीनों चीजें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, उस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उनकी चर्चा करेंगे। आप इसको विधिवत पढ़ें, अगर कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं समझ में आई होंगी तो इस पर एक हम दोबारा क्लास ले लेंगे। और आप इसमें आप कोई भी समस्या अगर आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए मेहनत करते हैं हम लोग, तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे क्लास को रेगुलर देखें। और इसके अतिरिक्त जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि हमें अगली आपको क्या अगली सुविधा हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इन दोनों चीज इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।